कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने पहल की है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायमूर्ति मोहित शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और गौरव सिंह की जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। इसके बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पतालों को 24 घंटे निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक त्वरित कार्य योजना अदालत को दी जाए। दरअसल जनहित याचिका के बाद पटना हाईकोर्ट ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई थी। बुधवार को कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी और अनियमित आपूर्ति की वजह से राजधानी के 3 बड़े अस्पतालों में करीब 1000 से ज्यादा बेड खाली है। ऑक्सीजन की कमी के चलते PMCH, IGIMS और मेदांता का अस्पताल प्रशासन संक्रमितों को भर्ती नहीं कर पा रहा है। दादे कमेटी ने बताया कि PMCH में 1750 बेड की सुविधा है, किंतु उसमें केवल 770 बेडों पर ही कोविड मरीजों को रखा गया है। IGIMS के पास 1070 बेड हैं, लेकिन 250 बेड पर ही मरीज है। 500 बेड वाले मेदांता अस्पताल को आज तक कोरोना मरीजों के लिए शुरू नहीं किया जा सका है। बता दें, इधर लोगों की समस्या को देखते हुए और बिहार सरकार की तैयारियों पर जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने एक ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर अब शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मेल आईडी है rgchccovidcomplain@gmail.com। बता दें, याचिका देने के बाद 23 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने शिवानी कौशिक बनाम स्वास्थ्य विभाग व यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य की सुनवाई की थी। बता दें, मेल आईडी एक बार फिर से बता देते हैं, rgchccovidcomplain@gmail.com। बता दें, ऑक्सीजन आपूर्ति में दिक्कत होने पर अब शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मेल आईडी है rgphccovidcomplain@gmail.com। देखिए, आज का दिन के बाद 23 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने शिवानी कौशिक बनाम स्वास्थ्य विभाग का यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य की सुनवाई की थी। फिर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। दादे, आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट से और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट लाइन भोजपुरी की रिपोर्ट।